ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेसेंट बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है थ्रू आउट हमारी प्रेगनेंसी, और एक सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता है बल्कि एक बहुत बड़ा मेजर ऑर्गन का भी जन्म होता है जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा हमारे शरीर में मीडिएटर का काम करता है, माँ के शरीर को बच्चे के शरीर से जोड़ने का काम करता है। जैसे माँ के शरीर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी के शरीर तक जाती है, और बेबी के शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी माँ के शरीर से प्लेसेंटा के थ्रू ही आउट होती है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जैसा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन लिखी होती है उसके साथ साथ आपने नोटिस किया होगा कि ग्रेड भी लिखा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आती है कि ग्रेडिंग होती क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्रेडिंग की बात करने वाली हूं, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। ग्रेड 0 से लेके ग्रेड 3 तक प्लेसेंटा की ग्रेडिंग को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी से अप टू 18 वीक्स आप ग्रेड 0 के कैटेगरी में प्लेसेंटा की जो कंपोजिशन है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी लेवल है, उसको आप ग्रेड 0 में रखते हैं। और ग्रेडिंग जो होती है एक तरह की प्लेसेंटा की मैच्योरिटी को दर्शाती है, जैसे कि प्लेसेंटा कितना ज़्यादा मैच्योर है। प्लेसेंटा में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी एडवांस होती है उसी हिसाब से आपकी प्लेसेंटा की भी मैच्योरिटी बढ़ती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी से 18 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें नॉर्मली जो प्लेसेंटा की मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है वो होता है ग्रेड 0। उसी तरह से अगर 18 वीक के बाद अगर 29वें हफ्ते तक प्लेसेंटा की ग्रेडिंग देखी जाती है ग्रेड 1, जैसा कि आप सभी अपने रिपोर्ट्स में देखते होंगे, वो उसकी मैच्योरिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। और ग्रेड 2 होती है जब आपकी प्लेसेंटा 30 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, 30 to 38 वीक्स तक हम ग्रेड 2 से हम उसको दर्शाते हैं कि ये प्लेसेंटा का पोजीशन मतलब इतना ज़्यादा उस समय मैच्योर हो जाता है कि उसे हम ग्रेड 2 से क्लासिफाई करते हैं। लेकिन 39 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी या 39 जैसे नॉर्मली 39-40 तक तो इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज नहीं जाती है, इसलिए नॉर्मली ग्रेड 3 नहीं देखा गया है प्लेसेंटा में, क्योंकि 38 तक आते आते मोस्ट वुमेन लोग का सारे लोगों का डिलीवरी हो जाता है, इसलिए ग्रेड 3 हमें कम देखने के लिए मिलता है। इतने लेवल तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं हो पाता है। तो जो कॉमन रूप से जो देखा जाता है वो ग्रेड 0 देखा जाता है, ग्रेड 1 देखा जाता है और ग्रेड 2 देखा जाता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि खुद मेरे मन में भी ये कन्फ्यूज़न था कि ये ग्रेड होता क्या है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपकी भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्विंस माय वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।